प्रेम कहानी उस दिन शुरू होती है जब दो लोग मिलते हैं, हटते हैं। लेकिन इन दोनों की कहानी उसी दिन खत्म हो गई। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है।
अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका परिसर जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा, उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है, जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे
झंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया।
विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है। इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है। इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की
उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह कायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मेदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या कि एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना उसे भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह कायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके।
जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है। यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब
पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है। यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि धोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने धोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है। यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर
के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मचहार ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि धोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने धोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है, जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है।
हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है।
अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बौना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा, उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है
और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका परिसर जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है, जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है,
जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था।
जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है।
रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह कायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मेदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह कायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है
ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है। यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है, तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा, उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है, जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है, ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक
तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि धोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने धोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है।
तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि धोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने धोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है।
हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है।
अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा, उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है
और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है, जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है,
जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है, जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों से में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था।
जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है।
रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है
ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है, ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक
तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है। यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि धोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने धोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है, उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है। यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है।
तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि धोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने धोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है। रघु नामक के एक स्थायी ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला लेने वापस जरूर आएगा। हालांकि रघु विष्णु को काम पर रखने वाले गुंडों की जमकर पिटाई कर लेता है। तब विष्णु रघु के दोस्त मजहर के ऊपर हमला करता है और उसे काट डालने का फैसला करता है, क्योंकि मजहर ने उसे लात मारी थी। जब अन्ना उसे बताता है कि रघु को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी, तो विष्णु सबूतों को रिश्वत देकर रघु को बाहर निकालने में भी उसकी मदद करता है। रघु की रिहाई के बाद अब उसे ही मारने की योजना बनाई जा रही है।
हालांकि जब रघु लौटता है तो विष्णु देखता है कि जोया की मौत के बाद रघु अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एना उसे बताती है कि जिस दिन उसने जोया को मारा उसी दिन से एक रघु भी मर गया था। विष्णु रघु को उसके पुराने तरीकों पर वापस लाने के लिए कई अन्य प्रयास तक करता है, लेकिन उन प्रयासों में वह पूरी तरह से विफल हो जाता है। अब रघु पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अपनी पुरानी सारी आदतें भी बदल रखी। अन्ना उसे पकड़ लेता है और उसे चेतावनी देता है, लेकिन विष्णु गुस्से में अन्ना को ही वहीं पर मार दिलाता है। मरजावन इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है रघु नामक के एक स्थायीय ठग नारायण अन्ना का एक वफादार गुंडा होता है जो मुंबई में जल माफिया को नियंत्रित कर रहा है। रघु पर अन्ना भी निर्भर है और वह उसी की वजह से राज करने में कामयाब है। अन्ना के बेटे विष्णु के साथ उसकी कुछ तालमेल नहीं बैठता, जिसका कद केवल बहुत ही छोटा है, जिसे बोना आदमी भी कहा जाता है। उसकी लंबाई सिर्फ 3 फीट है। रघु जोया के प्यार में अब गिर गया है, जो एक मूल संगीत की ओर झुकाव रखने वाली एक कश्मीरी लड़की है जो बच्चों को फ्री में संगीत तक सिखाती है। विष्णु अपने पिता के सबसे पसंदीदा गुंडे का बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करने के अवसर को कूद पड़ रहा है। विष्णु ने अन्ना के दुश्मनों में से एक गायतोंडे का अपहरण कर लिया, जिसमें एक बच्चे को बताता है कि जोया ने उसे शूट करने के लिए अपने संगीत समारोह में चुना था। जोया यह देखती है और वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन विष्णु पहले से ही उसकी उपस्थिति में बारे में सतर्क है उसे पता चल गया। विष्णु अन्ना को बताता है कि गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह जोया है और वह गवाह जोया को मारना चाहता है, इसलिए अन्ना भी रघु को जोया को मारने का आदेश निकालता है, यह नहीं जानते हुए कि रघु उससे ही प्यार करता है। रघु जोया को ढूंढता है और विष्णु और अन्ना से भागने की उसे कोशिश भी करवाता है, लेकिन विष्णु उन्हें पकड़ लेता है और रघु जोया और सभी बच्चों को मारने का तक आदेश देता है। एना रघु से कहती है कि अगर वह केवल जोया को मारेगा तो वह और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वह गायतोंडे की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थी। जोया रघु को उसे मारने के लिए कहती है ताकि वह और बच्चे सुरक्षित रह सके, ताकि उनकी जान भी बच सके। जोया रघु को बंदूक देती है और अपना अंगूठा उसे उस पर रखने के लिए कहती है। वह उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहती है। रघु ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जोया के बार बार कहने से रघु उसे गोली मारता है और उससे वह उसी की बाहों में अपना दम तोड़ती है। पुलिस ने जोया की हत्या के लिए दर्दनाक तरीके से रघु को ही गिरफ्तार किया। रघु जेल में अब पूरी तरह से टूट जाता है। वह जेल में उदास होकर बैठ जाता है। बच्चे और रघु के दोस्त जोया को दफनाने में मदद करते हैं। विष्णु जेल में रघु को मारने की भी कोशिश करता है, यह जानकर कि वह रिहा हो सकता है तो वह इसका बदला